अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लासेस द साइंस लेक्चर थ्री. टुडे इज़ 11 December 2020 एंड डे इज द फ्राइडे. एज यू नो वी आर इन द चैप्टर नंबर 8 फूड एंड डाइजेशन एंड आवर टॉपिक इज डाइजेशन. लास्ट टाइम वी डिड द टू क्वेश्चन व्हाई मस्ट फूड बी डाइजेस्टेड और व्हाट टू एंजाइम्स टू. होपफुली आपने इन्हें अच्छे से लर्न किया होगा. आज जो है हम देखेंगे व्हाट इज एसोफेगस और डिस्क्राइब द स्टमक. ठीक है, तो हम इन्हें स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज एसोफेगस. क्वेश्चन नंबर 3 इज दी व्हाट इज एसोफेगस. एसोफेगस क्या है? आप देखें जो भी फूड खाते हैं वो आपके स्टमक के अंदर चली जाती है. वो जाती किस तरह से है? वो एक ट्यूब के थ्रू जाती है और उस ट्यूब को बोलते हैं एसोफेगस. ठीक है, आपके माउथ से आपके स्टमक तक जो फूड ट्यूब लेकर जाती है दिस ट्यूब इज कॉल्ड एसोफेगस. ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्यूब है जो कि आपके माउथ को और आपके स्टमक को कनेक्ट करती है. अगर आप बुक के 105 पेज नंबर के अंदर देखें बुक के अंदर, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है. ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है उसको भी हम देख लेते हैं. सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर इज दी 105. यहाँ पे देखिएगा, ये है माउथ और माउथ से एक ट्यूब आ रही है और किसके साथ कनेक्ट हो रही है? स्टमक के साथ. और यहाँ से माउथ से और स्टमक के दरमियान जो ट्यूब है दिस इज एसोफेगस. ठीक है, इसको एसोफेगस बोलते हैं, इसको ग्रिल्ट भी बोलते हैं. ठीक है, दिस वन इज द एसोफेगस. यहाँ से माउथ से आपकी फूड आपके स्टमक में जा रही है. किसके थ्रू जा रही है? एसोफेगस ट्यूब के थ्रू जा रही है. क्लियर? I read it for you. Question number 3 is the what is esophagus? Answer is the esophagus is the short tube connected the mouth to the stomach. And the next question is the question number 4. Describe the stomach. Stomach kya hai? Ab stomach jo hai ye ek muscular sac hai. Theek hai, muscular sac matlab ye jo hai hamari body ke andar एक मसल से बना हुआ एक ऑर्गन है. और ये ऑर्गन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करता है. आपकी बॉडी के अंदर जो भी फूड जाती है, आप खाते हो, आपके माउथ से एसोफेगस से गुजर कर आपके स्टमक के अंदर आती है. ठीक है, फिर स्टमक जो है उस फूड को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है. ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं. इन वॉल्व, ये वॉल्व का काम क्या है कि जैसे ही फूड एंटर होती है स्टमक के अंदर, ठीक है, अच्छा कि हम इसे बुक के अंदर, बुक के जो पेज नंबर 105 है वहाँ से इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, वहाँ से आपको वॉल्व ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे. सो मेरे साथ देखें, यहाँ पर स्टमक है. ठीक है, यहाँ पे जैसे ही एसोफेगस से फूड एंटर होगी तो यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट है. ठीक है, वो वॉल्व ओपन होगा तो फिर स्टमक के अंदर आएगी फूड. ठीक है, फिर जब यहाँ से कुछ डाइजेस्ट होकर, ठीक है, जो भी फूड आएगी डाइजेस्ट होकर जैसे ही जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. ठीक है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड आ जाती है, फिर उससे जाती है कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. ठीक है, क्लियर? फिर रेक्टम से, रेक्टम से एनस से अनडाइजेस्टेड फूड एक्सपेल आउट हो जाती है. अब यहाँ से स्टमक से जा रही है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड, तो यहाँ पे भी एक वॉल प्रेजेंट होगा. ठीक है, इसको स्फिंक्टर भी बोलते हैं. अब ये वॉल ओपन होगा तो फिर ही जो फूड होगी वो कहाँ जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होगी. ठीक है, तो ये वॉल किस लिए होते हैं? ताकि फूड एंटर हो स्टमक के अंदर और स्टमक से बाहर जा सके. ठीक है, ऊपर जो वॉल है इसको जो है वो कार्डिक बोलते हैं. ठीक है, और नीचे वाले वॉल जो है उसको बोलते हैं पाइलोरिक वॉल. क्लियर, या पाइलोरिक स्फिंक्टर भी उसको बोला जाता है. तो फूड जो है वो, स्टमक जो है वो एक मस्कुलर सैक है जिसके वॉल प्रेजेंट होते हैं और जिसके अंदर, जिस इन वॉल्स के थ्रू फूड एंटर होती है स्टमक के अंदर और फूड जो है वो स्टमक से बाहर जाती है. क्लियर, फिर आगे जो नेक्स्ट ट्यूब है, ठीक है, उसके अंदर जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. क्लियर, फिर और क्या है यहाँ पे? जो स्टमक है वो क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस जो है वो भी रिलीज़ करता है. स्टमक की जो वॉल हैं वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करते हैं. गैस्ट्रिक जूस के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, और इसके साथ साथ जो है वो पेप्सिनोजेन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये तीनों मिल के फूड को चर्न करते हैं, यानी कि उसकी चर्निंग प्रोसेस होता है पेरिस्टाल्सिस के थ्रू. पेरिस्टाल्सिस किसको बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं ये स्टमक की जो वॉल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं. ठीक है, सुखड़ती हैं और रिलैक्स होती हैं. ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस. और इसके थ्रू फूड जो है वो चर्न्ड हो जाती, यानी कि वो क्या हो जाती? और मिक्स्ड हो जाती है. मिक्स होने से और डाइजेस्ट हो जाती है. ठीक है, फिर
डाइजेस्ट होने के बाद जो है वो एक जब चर्निंग प्रोसेस होता है तो फूड जो है वो एक पतला सा सूप बन जाती है, सूप लाइक जो है वो हमारे पास जो है एक मिक्सचर आ जाता है फूड का। ठीक है, अब जो भी हमने फूड खाई उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स हैं, ठीक है, प्रोटीन है, उसकी डाइजेशन होगी और वो एक सूप लाइक मिक्सचर बन जाएगा। फिर वो सूप लाइक मिक्सचर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। और ये किसके थ्रू हुआ, किस प्रोसेस के थ्रू हुआ, चर्निंग प्रोसेस के थ्रू, और पेरिस्टाल्सिस हुई और फिर जो है वो चर्निंग प्रोसेस हुआ। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस के अंदर क्या होगी, स्टमक की वॉल्स जो हैं वो रिलैक्स होंगी, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है, सिकुड़ेंगी और रिलैक्स होंगी। ठीक है, उससे क्या होगा, चर्निंग प्रोसेस होगा, यानी कि फूड जो है वो और मिक्स होगी एक दूसरे के साथ। जब फूड मिक्स होगी तो वो एक सूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, फूड के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, वो डाइजेस्ट होंगे। ठीक है, फिर वहाँ से स्टमक से कहाँ पे चली जाएगी, फूड इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चली जाएगी। क्लियर, एंड दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टमक। ठीक है, ये स्टमक जो है वो करता है। सो आई रीड इट फॉर यू, डिस्क्राइब द स्टमक। Answer is this, the stomach is a muscular sac with wall at each end to control the flow of food into and out of the stomach. In the stomach, food is churned by the process, by the peristalsis and mixed with gastric juice. ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, फूड जो है वो क्या होती है, चर्न होती है, यानी कि और मिक्स होती है peristalsis के थ्रू और गैस्ट्रिक जूस के साथ वो मिक्स होकर डाइजेशन हो जाती है फूड की। क्लियर, तो ये था आज के हमारे दो क्वेश्चन जिनको आपने अच्छे से करना है। ठीक है, इनको आपने लर्न करना है और आपने जो है वो अपनी नोटबुक पे लिख के जो है मुझे दिखाने, नोटबुक या किसी भी पेजेस पे लिख के आपने जो है वो मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, और ये ज़बानी क्वेश्चन लिखने हैं आपने। क्लियर, हियर आवर लेक्चर इज़ फिनिश, अल्लाह हाफिज़।